वेलकम टू टागे विद यस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 25 जनवरी 2023 का। ये नोटिस है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। ये नोटिस 25 जनवरी 2023 का है, लेकिन वेबसाइट इतनी बिजी है कि कल अपलोड ही नहीं हो सका और आज ये नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आप लोगों का कल ही आ गया था पीटी का, उसी से संबंधित ये नोटिस है। इसमें पीटी से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये नोटिस आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। ये नोटिस पढ़ने पे आप लोगों के कई सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए, तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। इसको टेलीग्राम पे मैंने पहले ही डाल दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को भी बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के 75 जनपदों में 4 पालियों प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित की गई थी। तो माननीय आयोग की बैठक दिनांक 24/1/2023 की उक्त लिखित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के स्कोर को प्रकाशित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 24 तारीख को मैंने बताया था आप लोगों को कि आयोग में मीटिंग है और रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन 24 को प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपका रिजल्ट जो है 25 को आया था और वेबसाइट इतनी बिजी है कि अभी भी शायद कुछ लोग रिजल्ट नहीं देख पाए होंगे, तो आप लोग वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। 24 को ही मैंने बता दिया था कि आज आयोग में मीटिंग है और रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है 24 को मीटिंग हुई थी और ये रिजल्ट से संबंधित जानकारी उसमें बैठक हुई थी, ठीक है। मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इसमें आगे लिखा हुआ कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। सूच्य है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत भी 194 अभ्यर्थियों द्वारा अपनी OMR सीट से प्रश्न पुस्तिका संख्या अंकित नहीं की गई है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित की गई है, अतः उक्त 194 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी निरस्त करते हुए स्कोर कार्ड का कैंसल्ड अभियुक्त अंकित की गई है। तो यहाँ पे 194 लोग ऐसे हैं जिनकी जो है स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिया गया है, उन्होंने अपनी OMR सीट सही से नहीं भरी थी और इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी और 24 जनवरी 2024 तक आप लोग अपना स्कोर कार्ड वेबसाइट पे देख सकेंगे, वेबसाइट पे ही उसमें शो होता है, ठीक है। जब रिजल्ट खोलते हैं आप लोग, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, सूच है कि 497 अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक प्रवेश दिया गया है, उनके परीक्षा परिणाम स्कोर में उनकी प्रस्थिति मतलब स्टेटस तदनुसार प्रोविजनली अलाउड अंकित करते हुए उनका परीक्षा परिणाम स्कोर प्रकाशित किया जा रहा है। सोचे कि 22 अभ्यर्थियों का परिणाम जांच के अधीन प्रकाशित किया जा रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में अंडर इन्वेस्टिगेशन आयुक्त अंकित की गई है। और सूचे है कि 21 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए थे, स्कोर कार्ड में उनकी प्रस्थिति मतलब स्टेटस तदनुसार अनफेयर मीन्स अंकित करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित तदनुसार का अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया है। तो जो लोग नकल करते पकड़े गए थे ना, उनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया गया है, 21 लोग हैं। तदनुक्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 की लिखित परीक्षा का परिणाम स्कोर कार्ड आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर वांछित प्रविष्टियां दर्ज कर अपना परिणाम परीक्षा परिणाम स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है और अब ये जारी हो गया है और वेबसाइट बहुत ज़्यादा अभी भी बिजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना परिणाम देख लिया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टागे विद्यासहज पे लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है और वहाँ पे आप लोग लिंक पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं चेक किया है, ठीक है। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।